श्री कुंडलिनी। मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग अर्थात त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल में स्थित इस शक्ति को श्री कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का उल्लेख सभी धर्मों में किया गया है। हिंदू इसे श्री कुंडलिनी शक्ति, क्रिश्चियन होली घोस्ट एवं मुस्लिम बुराक कहते हैं। इस शक्ति का प्रवेश माँ के गर्भ में बच्चा जब 2.5 महीने का होता है तब होता है। पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात कुछ महीने बाद इस शक्ति का परमात्मा से संबंध टूट जाता है और यह मनुष्य के मूलाधार में जाकर सुप्तावस्था में 3.5 कुंडल कर बैठ जाती है। माताजी श्री निर्मला देवी की कृपा से इसी कुंडलिनी शक्ति को पुनः जागृत किया जा सकता है और जब यह शक्ति मनुष्य के 6 चक्रों का भेदन करके ब्रह्मरंध्र पार करती है तब उसका संबंध पुनः परमात्मा से स्थापित हो जाता है। तब मनुष्य पूर्ण योगी हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमें अपनी हथेलियों एवं तालु भाग पर शीतल लहरियों का अनुभव होता है। इसी अनुभव को हिंदू परम चैतन्य, मुस्लिम रूह एवं क्रिश्चियन कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहते हैं। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का स्थान मनुष्य जब धरती पर बैठता है और उसका जो स्थान भूमि तत्व को स्पर्श करता है वहां रीढ़ की हड्डी के अंत में त्रिकोणाकार पावन अस्थि के नीचे स्थित है। इस चक्र के शुद्धिकरण एवं खुलने से मनुष्य में अबोधिता, पावनता एवं विवेक का समावेश होता है। इस चक्र का विशेष कार्य मल विसर्जन, गर्भधारणा एवं प्रजनन है। कामुक विचार, अश्लीलता एवं अनैतिक संबंध से यह चक्र खराब हो जाता है। इस चक्र के दूषित होने से मनुष्य में मानसिक असंतुलन, गर्भरोग, प्रोस्टेट रोग, एड्स, कैंसर एवं स्मरण शक्ति कम होने के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसका तत्व पृथ्वी तत्व है। स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान मनुष्य के शरीर में पेट के नीचे हिस्से में है। यह चक्र हमें सृजनात्मक तथा भावमय विचारों के लिए शक्ति प्रदान करता है। सौंदर्य बोध एवं मनुष्य के चित्त का यही चक्र संचालन करता है। चर्बी के अणुओं को मस्तिष्क कोशाणुओं में तब्दील करके यह चक्र मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत अधिक सोच विचार एवं भविष्य के लिए योजनाएं बनाना, मादक पदार्थ का सेवन, तंत्र मंत्र एवं काली विद्या, हुकुमशाही आदि कारणों से यह चक्र खराब हो जाता है। इस चक्र खराब होने से मनुष्य में डायबिटीज, हृदय रोग एवं मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस चक्र का तत्व अग्नि तत्व है। नाभि चक्र। नाभि क्षेत्र के पीछे स्थित यह चक्र नाभि चक्र कहलाता है। इस चक्र के द्वारा मनुष्य में सदाचार, संपन्नता, सहिष्णुता एवं समाधान के भाव उत्पन्न होते हैं। यह चक्र पचन क्रिया, पेट, आंत्र एवं जिगर के कुछ भागों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है। बहुत अधिक पैसा कमाने की चाह, मादक पदार्थ का सेवन, पारिवारिक समस्या, पति या पत्नी पर हुकुम चलाना, अत्यधिक धर्मपरायणता
एवं उपवास आदि से यह चक्र खराब हो जाता है। इस चक्र के खराब होने से मनुष्य में असमाधान, चिड़चिड़ापन, लिवर एवं पाचन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस चक्र का तत्व जल तत्व है, भवसागर। नाभि चक्र के चारों ओर भवसागर का स्थान है। यहाँ पर 10 आदि गुरु विद्यमान रहते हैं, जो मानव को वास्तविकता एवं सत्य के साम्राज्य में ले जाने के लिए अवतरित हुए। धर्मपरायणता एवं उसका पालन इस चक्र का मुख्य गुण है। सत्य को जानकर धर्म को स्थापित करना मुख्य कार्य है। ज्ञान का अहंकार, धर्म के प्रति गलत विचार आदि कारणों से यह चक्र दूषित होता है। इस चक्र का तत्व जल तत्व है, अनाहत चक्र। हृदय के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में इस चक्र का स्थान है। इस चक्र के शुद्धिकरण से मनुष्य में निर्भयता, करुणा, प्रेम, सुरक्षितता एवं हितैषिता आदि भाव उत्पन्न होते हैं। फेफड़ों एवं हृदय पर नियंत्रण, रोग प्रतिकारक शक्ति की उत्पत्ति इसका मुख्य कार्य है। बहुत अधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, असुरक्षा की भावना, मादक पदार्थ का सेवन, अहंकार एवं डर ऐसे कारणों से यह चक्र दूषित होता है। हृदय एवं फेफड़ों के रोग, कैंसर, अस्थमा, रक्तदाब एवं आत्मविश्वास की कमी आदि मुख्य रोग उत्पन्न होते हैं। इस चक्र का तत्व वायु तत्व है, विशुद्धि चक्र। यह चक्र कंठ में रीढ़ की हड्डी में स्थापित है। मधुर वाणी, संपर्क कुशलता, साक्षी भाव, कूटनीतिज्ञता, व्यवहार कुशलता एवं सत्यनिष्ठा आदि गुणों का समावेश मनुष्य में इसी चक्र के द्वारा होता है। यह चक्र नाक, कान, गला, दांत एवं जिह्वा आदि के कार्य को नियंत्रित करता है। धूम्रपान, कटुवाणी, बनावटी व्यवहार, अपराध बोध एवं अपवित्र संबंध के कारण यह चक्र खराब होता है। इस चक्र की खराबी से मुख्यतः नाक, कान, गला, थायराइड एवं स्पॉन्डिलाइटिस आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस चक्र का तत्व आकाश तत्व है, आज्ञा चक्र। मनुष्य के कपाल के मध्य, जो कि दोनों आंखों के ठीक ऊपर बीचों बीच में आज्ञा चक्र स्थित है। क्षमाशीलता एवं निर्विचारिता इसका प्रमुख गुण है। स्मरण शक्ति को बढ़ाना, निर्णय क्षमता एवं नाक, कान एवं आंखों के कार्य को नियंत्रित करना इसका प्रमुख कार्य है। अहंकारी स्वभाव, भूतकाल एवं भविष्यकाल के लिए सोचना, अति नियोजन, अति निद्रा, ज्यादा टीवी एवं सिनेमा देखना, यही इस चक्र दूषित होने के मुख्य कारण है। आंखों की बीमारी, स्मरण शक्ति खोना, लकवा, चक्कर आना, जुकाम तथा सरदर्द प्रमुख बीमारी है, जो कि इस चक्र के खराब होने से हमारे अंदर प्रवेश करती है। इस चक्र का तत्व प्रकाश तत्व है। सहस्रार चक्र मस्तिष्क या तालु भाग पर स्थित 1000 पंखुड़ियों वाला यह महत्वपूर्ण चक्र सहस्रार चक्र कहलाता है। सामूहिक चेतना, एकाकारिता एवं आत्म साक्षात्कार इसका प्रमुख गुण है।
सामूहिक चेतना को जानकर परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से एकाकारिता करवाना इस चक्र का प्रमुख कार्य है। यह चक्र दूषित होने का कारण परमात्मा के प्रति अश्रद्धा एवं उसके विरुद्ध कार्य, सहज योग के प्रति संदेह आदि है। आत्म साक्षात्कार के पश्चात साधक पूर्ण समाधि अवस्था में जाता है और परमानंद की अनुभूति करते हुए ध्यान द्वारा ही परमात्मा से निरंतर ज्ञान प्राप्त करता रहता है।